ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज के अगले क्वेश्चन में चलते हैं, जो जैसे कि मैंने हमेशा की तरह पहले से यहाँ पर लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5, फिफ्थ का फोर्थ पार्ट है, ये आपके एनसीईआरटी बुक्स में है। आइए हम इसको सोल्व करते हैं बच्चों। देखिए यहाँ पर जो लिखा है, 1 sec a / sec a = sin² a / 1 - cos a, ठीक है। और आपके क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि दोनों को, यानी LHS को और RHS को सेपरेटली हमें सोल्व करना होगा। आइए सबसे पहले हम LHS को लेके चलते हैं, ठीक है बच्चों। LHS को देखिए, 1 sec a / sec a, ठीक है बच्चों। आइए इसको सोल्व करते हैं। अब हम इस सेक को ना, ये पूरे के नीचे बाई के रूप में, तो हम इसको लिख सकते हैं 1 / sec a और + sec a / sec a, लिख सकते हैं ऐसे, ठीक है बच्चों। आइए अब 1 / sec a किसके इक्वल होता है, कोस के, कोस ए प्लस, और sec / sec a को डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है बच्चों। ये हमने LHS को सोल्व कर दिया है। आइए RHS को हम लेके चलते हैं, देखते हैं RHS में भी क्या ये आता है, ठीक है बच्चों। RHS में अब sin² a / 1 - cos a ये लिखा हुआ है। आइए इसको सोल्व करते हैं। साइन स्क्वेयर को किस में चेंज कर सकते हैं, 1 - cos² a में, ठीक है बच्चों, और 1 - cos a। देखिए मैं इधर लिख देता हूँ, ठीक है। sin² a = होगा 1 - cos² a, ये मैंने लिख दिया, ठीक है। आइए अब बच्चों जैसे कि ये है 1 - cos² a, तो हम इसको लिख सकते हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये देखिए हम इसको लिख सकते हैं 1² - b² ऐसे हम इसको लिख सकते हैं ना, ठीक है बच्चों, इसको लिख सकते हैं ऐसे। तो 1² - b² और नीचे 1 - cos a, ठीक है। अच्छा अब a² - b² का फॉर्मूला लर्न कीजिए, हाँ रिमेम्बर कीजिए, ठीक है। a² - b² क्या होगा, a + b, ठीक है, और a - b और नीचे आ गया 1 - cos a, ठीक है बच्चों, ये आ गया। अब देखो बच्चों यहाँ पर को 1 - cos a 1 - cos ये डिवाइड हो गया, ठीक है, और 1 + cos a ये आपका जो RHS में था, RHS में है, और जो LHS में था, ये दोनों क्या आ गए, इक्वल आ गए, ठीक है बच्चों। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ LHS = RHS, ठीक है बच्चों, ये मैंने लिख दिया। तो बड़ा